लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। करणी सेना ने भाजपा का बहिष्कार करने और उसे हराने का ऐलान कर दिया है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने ग्वालियर में इसके लिए राजपूत समाज को शपथ भी दिलाई। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर एक बड़ा खुलासा कर दिया। देखें ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूतों को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर करणी सेना ने पूरे देश सहित मध्य प्रदेश में भाजपा के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। रविवार को करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के खिलाफत की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पुरुषोत्तम रूपाला ने जो राजपूत महिलाओं पे क्षत्रिय महिलाओं पे जो अभद्र टिप्पणी करी है, उसको लेकर पिछले एक डेढ़ महीने से गुजरात के क्षत्रिय क्षत्राणियाँ सड़कों पे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ टिकट काटी जाए रूपाला की, और टिकट काटने के बजाय उसको टिकट दी गई, उसको पुरस्कृत किया गया। और आज आलम यह है कि पूरा गुजरात का राजपूत समाज जो कभी बीजेपी से अलग नहीं रहा, बाइकॉट बीजेपी का नारा दिया, हम लोग वहाँ गए और पूरे देश में इस मुद्दे को ले जाने की ठानी। क्योंकि क्षत्राणियाँ कहीं की भी हो, बहन बेटियाँ कहीं की भी हो, आपके मेरे परिवार की बहन बेटियाँ अलग नहीं है। अगर उस पर कोई गलत टिप्पणी करता है, क्षत्रिय का धर्म बनता है, हम उसकी लड़ाई लड़े। और राजपूत समाज की बहन बेटियाँ हमें लड़ाई लड़नी थी, और आज हम लोग ग्वालियर में हैं इसी मुद्दे को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी को अब की बार हमारा युवा, हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करेगा, कोई वोट का सहयोग नहीं करेगा, और हम लोग इनको हराने का काम करेंगे। देखिए नरेंद्र सिंह जी तोमर के साथ क्या हुआ पूरा देश जानता है। केंद्रीय मंत्री थे, हमारे कद्दावर नेता थे राजपूत समाज के, जो राजपूत समाज के साथ साथ सभी जातियों की बात रखते थे, मध्य प्रदेश की बात सेंटर में रखने का काम करते थे। उनके साथ क्या हुआ, वो केवल एक MLA बनाकर उनको बिठा दिया गया। मुख्यमंत्री का बताया गया, राजपूत समाज को मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, और आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पे। इसी तरीके की घटनाएं राजनाथ सिंह से लेके जितने भी हमारे राजपूत समाज के बड़े नेता उनके साथ की गई। जनरल VK सिंह जी की टिकट काट दी गई, बृजभूषण सिंह के साथ क्या हुआ आपको मालूम है। तो इसी ये सब चीज़ें पूरा राजपूत समाज देख रहा है। आपके मध्य प्रदेश की 7 सीटों में से जो राजपूत समाज को 7 MP की टिकट थी, उनमें से केवल एक दी गई, वो भी राजपूत के सामने, कि राजपूत राजपूत के सामने लड़के कट के मरे और आपस में इनकी राजनीतिक हत्या हो जाए, तो हम लोग ये कतई इसका साथ नहीं देंगे। सीधा सा है, अब की बार कमल का फूल हमारी भूल, हम बाइकॉट बीजेपी का नारा दे रहे हैं, और पूरे ग्वालियर में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में जहां जहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को हराने का आह्वान करेंगे। किसका सहयोग? बहरहाल अब देखना होगा कि करणी सेना के विरोध प्रदर्शन के बाद इसका असर लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ग्वालियर।